हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आया हूँ, जो कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पार्किंसन डिसीज के ऊपर, जो कि नर्वस सिस्टम की एक डिसीज है। तो ये इम्पोर्टेंट डिसीज मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीत ट्यूब चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे जीत ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपकमिंग वैकेंसीज की नोटिफिकेशन भी आप हमारे जीत ट्यूब चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो डिसीज है वो रहेगी हमारी पार्किंसन डिसीज। तो इसमें होता क्या दोस्तों, ये पार्किंसन डिसीज है क्या, साइन सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, कहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, सारी चीज अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरोजेनरेटिव मतलब न्यूरो से आप यहाँ पे न्यूरॉन्स ले सकते हैं, और डीजेनरेटिव मतलब जो वापस से रीजेनरेट नहीं होते। अगर एक बार यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो आपको पता है वापस से जो है वो रीजेनरेट नहीं होते, तो उसी का न्यूरो डीजेनरेटिव एक डिसऑर्डर है, जिसमें भी क्या होता है, डिसीज अफेक्ट्स मैन मोर देन वुमेन। तो ये मैन में सबसे ज्यादा होती है, मोर देन किसके, वुमेन्स के। बाकी का आगे मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी डायरेक्ट आपको बता दूंगा किस तरीके की होती है। उससे पहले अपन इसको देख सकते हैं कि इसका कॉजेस क्या है। तो कॉज, मेन कॉज हो सकता है वो दोस्तों इसका अननोन है, ठीक है। साथ में ये जेनेटिक भी है और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपके न्यूरल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। हेड इंजरी है तो भी आपको पता है उसके न्यूरल जो है वो डैमेज होंगे, फिर वो वापस से रीजेनरेट नहीं होंगे, तो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ये हो जाता है। उसके बाद में क्रॉनिक यूज ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। तो एंटी साइकोटिक ड्रग जो है दोस्तों, उसका अगर अपन लंबे समय से अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से अपन को पार्किंसन डिसीज जो है वो हो सकती है। साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड वेसल्स में दोस्तों फैट का जो है वो डिपोजिशन हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। दोस्तों, पर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी सभी जगह क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स का क्या हो रहा है, आपका डीजनरेशन हो रहा है, मतलब न्यूरॉन्स आप ये डैमेज हो रहे हैं। तो न्यूरॉन्स का जब भी डीजनरेशन होता है उसके बाद में आपको पता है कि डोपामिन का जो लेवल है वो इफेक्ट होगा, फिर कम होगा, उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन और डोपामिन के का जो बैलेंस है वो दोस्तों यहाँ पे बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसके कारण जो है वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैरेंटिकल इफेक्ट में होगा वो उसमें आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे पार्किंसन जो डिसीज है वो हो जाती है पेशेंट में। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे क्लासिकल ट्रायड ऑफ पार्किंसन के बारे में, तो यहाँ आप स्टार मार्किंग करेंगे कि क्लासिकल ट्रायड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले रहता है दोस्तों यहाँ पे ट्रेमर्स, दूसरा रहेगा यहाँ पे रिजिडिटी, और तीसरा रहेगा यहाँ पे दोस्तों ब्रेडीकाइनेसिया। अब यहाँ पे दोस्तों ये साइन सिम्टम्स है क्या और किस तरीके के आते हैं और कौन से सिम्टम्स में मेन होते हैं। ट्रेमर्स की बात करूं तो स्लो ट्रेमर्स आएंगे, यूनिलेटर आएंगे दोस्तों, बाइलेटर नहीं, यूनिलेटर मतलब एक साइड आ सकते हैं, यूनिलेटर। रेस्टिंग ट्रमर्स आएंगे दोस्तों, रेस्टिंग के दौरान भी ट्रमर्स आ सकते हैं, और पिन रोलिंग ट्रमर्स आएंगे दोस्तों, ठीक है। पिन रोलिंग ट्रमर्स आएंगे, अगर पूछा जाए पिन रोलिंग ट्रमर्स किसमें आते हैं तो आप इसमें कहेंगे पार्किंसन डिसीज में आते हैं। रिजिडिटी की बात करें तो रेजिस्टेंस टू पैसिव लिम मूवमेंट, आपको मूवमेंट करने में, लिम मूवमेंट करने में दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील होगा वो हो जाएगा, साथ में कॉग व्हील रिजिडिटी। तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये भी बनाया कि यहाँ पे कॉग व्हील रिजिडिटी कैसे हो जाएगी। आपने रथ का पहिया देखा है, अगर आप इसको देख सकते हैं इस तरीके का, दोस्तों यहाँ पे कॉग व्हील रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी। ब्रेडीकाइनेसिया की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे मोस्ट कॉमन फीचर है, जो कि आप यहाँ पे स्टार मार्किंग कर दिया, मोस्ट कॉमन फीचर क्या है पार्किंसन डिसीज का, क्लासिकल टाइप में ब्रेडीकाइनेसिया। स्लो ऑफ एक्टिव मूवमेंट, यहाँ पे एक्टिव मूवमेंट जो करेंगे वो स्लो हो जाएंगे। साथ में लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कम्प्लीट करने में ज्यादा समय लगेगा। साथ में डिफिकल्टी इन इनिशिएटिव एक्टिविटीज, तो उसको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी एक्टिविटीज के इनिशिएटिव लेने के दौरान। आप इसको नोट डाउन करो, फिर अपन चलेंगे आगे अपनी नेक्स्ट के बारे में। अगर नेक्स्ट की दोस्तों पर बात करें तो नेक्स्ट में क्या अपना पोस्टल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसमें क्या होगा सफलिंग गेट आपको देखने को मिलेगा। सफलिंग गेट के यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करके आप लिख लेंगे, सफलिंग गेट क्या होता है, आप ऐसा लगेगा पेशेंट जैसे वो ग्लू से चिपक गया है, मतलब जैसे हाथ पर उठाएगा जाने ग्लू से चिपक गया है, ठीक है। उसके साथ में स्टैंड अप विद हेड बेंट फॉरवर्ड, स्टैंड अप होगा तो हेड जो है आगे की तरफ बेंट फॉरवर्ड होके स्टैंड होगा। पोस्टल गेट में मतलब चलने में आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है, तो स्लोली स्लोली यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो इस तरीके की करेगा। अदर्स की बात करें तो माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया क्या है दोस्तों, स्मॉल जो है वो हैंडराइटिंग होती है ना उसको माइक्रोग्राफिया कहते हैं, मतलब वो छोटा 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 लिखता है, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं, मतलब बहुत ही छोटा यहाँ पे लिखता है वो माइक्रोग्राफिया हो गया। डिस्फोनिया, मास्क लाइक फेस, ये आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट की हिस्ट्री अपन करेंगे,
पैट स्कैन और सीटी स्कैन यहाँ पे करा सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस दोस्तों यहाँ पे इसका डिफिकल्ट यहाँ पे देखा जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग जो है वो बेंजोट्रोपाइन वो अपन दे सकते हैं। एंटी पार्किंसन जो ड्रग होगी वो लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। इसका दोस्तों यहाँ पे मैकेनिज्म अपन आगे पढ़ेंगे किस तरीके से लिवोडोपा कार्बिडोपा साथ में क्यों दी जाती है, क्या इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में करने के लिए, ब्लड बेरियर को क्रॉस कराने के लिए, तो वो अपन इसमें आगे जाके चीजें में बात करेंगे। तो आई होप ये आपको जो डिसीज है पार्किंसन डिसीज आज की जो है वो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा, साथ में ही आप और लोगों को भी शेयर करेगा ताकि और लोग भी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकें। बाकी दोस्तों अभी तक आपने जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन के थ्रू देखने को मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।